आप देख रहे हैं देश दिन भर। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। हम आपको दिखा रहे हैं देश को शर्मसार करने वाली चार तस्वीरें। पहली तस्वीर बेंगलुरु की है, जहां सीसीटीवी में बदमाश साफ साफ एक लड़की से छेड़छाड़ करता नजर आ रहा है। दूसरी तस्वीर भी बेंगलुरु की ही है, जहां नए साल के जश्न पर पुलिस की मौजूदगी में हजारों महिलाओं के साथ भीड़ में बदमाशों ने बदसलूकी की। तीसरी तस्वीर राजस्थान के चुरू की है, जहां स्कूल संचालक पर 11 साल की मासूम से रेप का आरोप लगा है। चौथी तस्वीर भी राजस्थान के चुरू की ही है, जहां नाबालिग बच्चियों से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। पहले बात बेंगलुरु के कम्मनहल्ली की। यहां नए साल के मौके पर लड़कियों और महिलाओं से कई जगहों पर छेड़छाड़ की खबरें आई थी, और अब एक ऐसी सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि अपने घर से महज कुछ ही दूरी पर जब लड़की रात में सड़क पर अकेली घर की ओर बढ़ रही थी, तब दो लड़के स्कूटर से उसके पीछे से आते हैं और आगे आकर रुक जाते हैं। लड़की को कुछ शक होता है और वो तेजी से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन स्कूटर पर मौजूद एक शख्स उतर कर उसके आगे खड़ा हो जाता है, और फिर जो हुआ वो बेहद ही निंदनीय है। लड़के ने छेड़खानी के बाद लड़की को सड़क पर पटक दिया और फिर दोनों लड़के स्कूटर से भाग निकले। फिलहाल पुलिस ने चार लोगों को हिरासत में लिया है और पूछताछ की जा रही है। We received a very credible evidence about a case of molestation on the midnight of 31st. We had no doubt about it. It is a case of molestation. We did not waste any time. We have registered a criminal case suo moto without waiting for complainant. इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता इमरान के पास। इमरान, हमारे साथ लगातार जो तस्वीरें हैं वो बहुत कुछ बयां कर रही है, लेकिन पुलिस की तेजी में कुछ निष्कर्ष भी निकला है क्या? जी बिल्कुल, ये मामला जो है पूरे शहर को दहला दिया है, क्योंकि जब से 31 दिसंबर से मामला चल ही रहा था कि किस तरह से लड़कियों को छेड़छाड़ किया गया और उनके साथ बदसलूकी की गई, लेकिन इस मामले को पुलिस बिल्कुल डिनाई कर रही थी और कहा गया कि उनकी सीसीटीवी फुटेज के जहाँ तक उन्होंने विचार किया, जाँच पड़ताल की है, उसमें से कोई मामला नज़र नहीं आता। लेकिन आज जो कम्मनहल्ली में जो सीसीटीवी फुटेज मिला है, उससे तो ये बात स्पष्ट होती है कि महिलाओं के साथ 31 दिसंबर रात न्यू ईयर की रात को काफ़ी बदसलूकी की गई और उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है। लेकिन डिटेल्स अभी तक जहां तक हमको पता चल रहे हैं कि सात लोगों को पुलिस ने उसी मोहल्ले के लोगों को पूछताछ के लिए स्टेशन बुलाया है, पूछताछ जारी है, और वहां के जो कमिश्नर ऑफ पुलिस ईस्ट जो है निम्बालकर साहब कह रहे हैं कि बहुत जल्दी इस मामले में अरेस्ट भी होंगे, या आज ही या कल तक पुलिस खुद इसका खुलासा करेगी। इमरान, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और इस बीच नए साल के जश्न के मौके पर बेंगलुरु के एमजी रोड पर हजारों लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की घटना सामने आई है। यहां कुछ बदमाशों ने भीड़ का फायदा उठाकर लड़कियों के साथ बदसलूकी की, और इस दरमियान लड़कियां हाथ में जूते और चप्पलें उठाकर रोड पर मदद की गुहार लगाती नजर आई थी। हैरान करने वाली बात यह है कि मौके पर पुलिस के 1500 जवान मौजूद थे। घटना के सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिख रहा है कि किस कदर भीड़ ने महिलाओं से छेड़खानी की। तो नए साल के मौके पर लड़कियों से छेड़छाड़ की यह घटना लगातार तूल पकड़ती हुई नजर आ रही है, और ये बता रही है कि समाज में अभी भी विकृत मानसिकता के लोगों की संख्या कितनी ज्यादा है। तो एक बार फिर से आपको बता दें, ये तस्वीरें बेंगलुरु के एमजी रोड की हैं, जहां हजारों लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की घटना सामने आई है, और यहां कुछ बदमाशों ने भीड़ का फायदा उठाया है और लड़कियों के साथ बदतमीजी की है। इस दौरान लड़कियां हाथ में जूते और चप्पल उठाकर रोड पर ही मदद की गुहार लगा रही थी, और पुलिस की भी तैनाती वहां पर आपको बखूबी नजर आ रही है। और यही सबसे हैरान करने वाली बात है कि पुलिस के 1500 जवान यहां पर मौजूद थे, बावजूद इसके इस तरह से लड़कियों के साथ छेड़खानी होती रही। तो सीसीटीवी फुटेज से यह बात साबित हो रही है कि किस तरह से लड़कियों के साथ बदतमीजी की गई। तो बेंगलुरु से एक तस्वीर जो लगातार चर्चाओं का केंद्र बनी हुई है, जो सियासतदानों को बयानबाजी या यूं कहें कि बदजुबानी करने का मौका दे रही है, वहीं दूसरी तरफ ये सीसीटीवी फुटेज जो बताने के लिए काफी है कि जिस सिटी को एजुकेशन और बिजनेस का हब माना जाता है, उस सिटी में किस तरह से विकृत मानसिकता के लोगों की तादाद बेतहाशा है।
और 1500 जवान पुलिस के मौजूद थे। इस दरमियान भी अगर लड़कियों के साथ बदसलूकी होती है तो समझा जा सकता है कि किस तरह से लड़कियों के साथ बदसलूकी का यह सिलसिला अभी भी 21वीं सदी में भी जारी है। निशा जामवाल हमारे साथ अभिनेत्री जुड़ रही हैं। निशा, कहीं ना कहीं ये दो तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि भले ही हम 21वीं सदी में हो लेकिन पुरुषों की मानसिकता किसी भी मौके पर बदलती हुई नहीं दिखती है। देखिए, बोलने के लिए तो बहुत सम्मेलन है और बहुत लोग प्रोटेस्ट भी कर चुके हैं, लेकिन निर्भया जैसे बहुत भयानक किस्से के बाद मैं नहीं बोल पाऊंगी कि औरतें इंडिया में सुरक्षित हैं अभी भी। रात को बाहर जाने के लिए काम, बहुत सी लड़कियां काम से वापस आती हैं रात को, और अभी भी वो फीलिंग नहीं है इस देश में कि हम जैसे कि जो बैंगलोर में अभी हुआ है, और हर एक किस्सा दिखाता है कि अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है और बहुत दूर हमें जाना है टू टेक सीरियसली कि क्या हो रहा है लड़कियों के साथ। पुलिस भी सीरियसली नहीं ले रही है, मुझे ऐसे लग रहा है। लेकिन निशा, ऐसे में सवाल जाहिर तौर पर जिस बात का जिक्र आपने भी किया कि पुलिस की मौजूदगी पर भी होता है, अगर पुलिस के 1500 जवान इस तरह से मौजूद हैं और तब इस तरह की बदतमीजी हो रही है तो ये समझा जाना चाहिए कि मंचलों के हौसले किस कदर बुलंद है। बिल्कुल, मैं इस बात से बहुत सहमत हूँ। और बैंगलोर में भी पुलिस आउटनंबर हो गई थी बहुत, मतलब जो हो रहा है उससे मैं नहीं कह सकती हूँ कि हम इस सदी में हैं। बहुत प्रोग्रेस की जरूरत है। एज येट वी आर नॉट मूविंग विद द टाइम्स इन टर्म्स ऑफ इक्वालिटी ऑफ वुमेन। हम चाहते हैं कि औरतें डायरेक्टर्स बने कंपनीज में, हम चाहते हैं कि औरतें एजुकेट हो, लेकिन उसका एक प्राइस भी है कि औरतों को सुरक्षित फील होना चाहिए हमारे सोसाइटी में। हमारी सोसाइटी अभी भी पैट्रियार्कल है, और मुझे अभी भी याद है कि एक मिनिस्टर ने एक वक्त में कहा था कि औरतों को ठीक से ड्रेस होना चाहिए वरना सुरक्षित नहीं होंगे। आई फाउंड दैट अ वेरी सेक्सिस्ट स्टेटमेंट, और ये जो बर्ताव है वो अभी भी जारी है। मैं समझती हूँ कि अभी भी यही सोच है कि ये जो हो रहा है औरतों की गलती है। ये नहीं सोचा जा रहा है कि हमें प्रोटेक्शन की जरूरत है अगर हम आगे बढ़ना चाहें। इफ वी वॉन्ट डायरेक्टर्स, विमेन डायरेक्टर्स ऑन बोर्ड, इफ वी वॉन्ट विमेन टू बी एजुकेटेड, तो उसके साथ एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें सुरक्षा दिया जाए पुलिस के तौर पे, और गवर्नमेंट भी और सीरियसली ले इस बात को। निशा, समाज में एक तबका है जो ये सोचता और समझता है कि अगर महिलाएं छोटे कपड़े पहनती हैं, देर रात बाहर घूमती हैं और लड़कों के मुकाबले अपने आप को पेश करती हैं, तो अगर उनके साथ इस तरह की हरकतें होती हैं तो वो लड़कियां खुद ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। इस सोच के बारे में आप क्या कहेंगी? मैं कहूंगी कि ये बहुत गलत सोच है, और सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो बलात्कार है, जो रेप है, इट इज नॉट अ सेक्सुअल एक्ट, इट इज एन एक्ट ऑफ वायलेंस। तो औरत जो भी पहने, अब आप क्या कहेंगे एक 15 साल की औरत, एक लड़की, एक नाबालिग लड़की का रेप जो इतनी क्रूरिटी से हुआ है, क्या आप कहेंगे कि उसने छोटे कपड़े पहने थे? रेप का कोई कारण ये नहीं होता है कपड़े क्या पहने जाते हैं। रेप एक वायलेंट एक्ट है, इट्स एन एक्ट ऑफ वायलेंस। तो पहले सबसे आई थिंक सोसाइटी हैज टू अंडरस्टैंड रेप क्या होता है, और छोटे या बड़े कपड़े इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर आदमी रात को काम करते वक्त, पार्टी करते वक्त कुछ भी पहन के दे आर फ्री टू रोम अराउंड एट नाइट, व्हाई नॉट वुमेन? हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो इक्वालिटी का एक प्राइस है, और सबसे इम्पोर्टेंट है सुरक्षा। इस बात के लिए अगर हम औरतों को ब्लेम करेंगे और उनके कपड़ों को, आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड अ वेरी सेक्सिस्ट स्टेटमेंट। मैं बहुत बहुत शुक्रिया निशा हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार साझा करने के लिए, और ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि किस तरह से महिलाओं को सुरक्षा देने की तो आवश्यकता है ही, लेकिन उससे ज्यादा जरूरत समाज में वो जो तबका जो घिनौनी हरकतें करता हुआ कैमरों में, सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ है, उनकी सोच को बदलने की सबसे ज्यादा बड़ी जरूरत है।
जिसके लिए कदम उठाया जाना समाज के तौर पर हम सबकी जिम्मेदारी है। बात राजस्थान के चुरू की करते हैं, जहां 11 साल के मासूम बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया है। रेप का आरोप एक स्कूल संचालक पर लगा है। वारदात 24 दिसंबर की है। आरोपी ने अपने एक साथी के साथ मिलकर छात्रा का अपहरण किया, बलात्कार की घटना को अंजाम दिया और इसके बाद पीड़ित छात्रा पर मोटरसाइकिल चढ़ा दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रात को हमारी लड़की का अपहरण किया, मुख बंद करके ले गए और इसके साथ में गलत कहा ये किया। बच्ची गिड़गिड़ाई लेकिन इन्होंने कोई दरिंदों ने रहम नहीं किया हमारी बच्ची पे, मारा पीटा फिर भी उसने दिल नहीं भरा तो उसको उसको गिरा करके मोटरसाइकिल से उसकी कमर की हड्डियां तोड़ करके उसको वहां डाल दिया। हमारे साथ संवाददाता भवानी सिंह इस खबर पर जुड़ रहे हैं। भवानी, आखिर पुलिस के पास क्या तथ्य इस स्कूल संचालक के खिलाफ मिल पाए हैं? क्या इसी तरह का आपराधिक रिकॉर्ड इसका रहा है? देखिए प्रीति, सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि स्कूल संचालक जो विक्टिम है उसके घर के पास का था, यानी कि पड़ोसी था। स्कूल टीचर और संचालक दोनों हैं, तो उसके बाद में ये घर से उसको उठाकर लेकर गया और पुलिस को इससे जुड़े हुए तमाम सबूत मिले हैं जहां पर ये घटना हुई है। उसके बाद में जो वहाँ के खून के निशान FSL के ने वहाँ से लिए है, इसके अलावा जो टूटी हुई चप्पल, तमाम तरह के बरामद किए। पुलिस ने अरेस्ट कर लिया इसको और इस सहयोग करने वालों को, दोनों को। लेकिन जो अस्पताल के अंदर भर्ती है विक्टिम, उसकी हालत देखी नहीं जा रही है। अब हालांकि वो खतरे से बाहर आई है लेकिन उसका नीचे का पूरा हिस्सा काम नहीं कर पा रहा, बैठ नहीं पा रही है और एक तरह से उसकी जिंदगी तबाह हो गई है। जी भवानी, आप हमारे साथ बने रहिए और रुख करते हैं अगली खबर की ओर, जो कि चुरू के सादुलपुर की है। पिलानी रेलवे फाटक पर 3 मंचले 2 नाबालिग छात्रों के साथ छेड़खानी कर रहे थे। लोग खामोशी से छेड़खानी की वारदात को देख रहे थे लेकिन इसी दौरान वहां से गुजर रही कांग्रेस प्रदेश सचिव कृष्णा पुनिया की नजर पूरी घटना पर पड़ती है, जिसके बाद कृष्णा पुनिया 3 में से 1 आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले करने में कामयाब हो जाती है। भवानी, अमूमन हमने सियासतदानों के बारे में ये सुना है कि वो घटना से कन्नी काटते हुए निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कृष्णा पुनिया की तारीफ होनी चाहिए कि वो खुद आई और न सिर्फ आई, उन्होंने पकड़वाया भी आरोपी को। ऐसे में इस घटना के जरिए कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को सबक भी मिलता है, लेकिन मंचले इस तरह की हरकतें अमूमन करते रहते थे, बैकग्राउंड क्या है उनका? देखिए दो बातें, एक तो प्रीति ये वही इलाका है जहां पर जो विक्टिम के साथ में रैप हुआ उसी इलाके की बात है चुरू की, और वहीं पर ये घटना हुई है। दूसरा, कृष्णा पूनिया ने वहां तमाम लोग खड़े थे जब वो मन चले मोलेस्टेशन छेड़ रहे थे उनको, लड़कियों को, उस दौरान काफी लोग खड़े थे, किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई उनको रोकने की। उस दौरान कृष्णा पूनिया ने जैसे ही देखा था कि अब लड़कियां रो रही है, नीचे उतरी हुई अपनी कार से और उसके बाद में पीछे भागी, तकरीबन 60 मीटर तक उनका पीछा किया और उसके बाद में उनको पकड़कर दबोचा एक को और उसके बाद में थप्पड़ लगाए और उसके बाद में उनकी पुलिस को फोन किया और बुलाया। बेहद बहादुरी का काम है उस इलाके के अंदर जहां पर ये हरकतें आम होती है, जारी है, और वहां पर बेहद इस तरीके के मंचलों की लगातार हरकतों की वजह से लड़कियां परेशान हैं। जी कृष्णा पुनिया की ये हरकत सबक भी है उन तमाम मंचलों के लिए भवानी? जी हाँ, बहुत बड़ा सबब है और जो लोग ये मानकर चल रहे थे कि उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है और खासतौर पर लड़कियों से और महिलाओं से तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रहे थे, लेकिन कृष्णा पूनिया ने एथलेटिक होने का, ओलंपिक होना है क्योंकि वो डिस्कस थ्रो में ओलंपियन रही, इसलिए तो अच्छी तरह से दौड़ सकती है और बहादुर है, इस तरह से एक तरह से मिसाल पेश की कृष्णा पूनिया ने। और राजस्थान के अंदर वो खासतौर पर महिलाओं को लेकर ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुकी है, तो एक तरह से पूरे राजस्थान के अंदर और देश के लिए मैसेज है लड़कियों के लिए कि वो बहादुरी दिखाएं, और उन मंचलों के लिए भी और आम लोगों के लिए भी मैसेज है कि ऐसे जहां पर भी छेड़खानी होती है लोगों को आगे आना चाहिए, रोकना चाहिए। दो घटनाएं शुरू में 11 साल की लड़की के साथ इस तरह से बलात्कार की घटना और कृष्णा पुनिया जैसे लोग आगे आते हैं जब मोलेस्टेशन हो रहा होता है, इन दोनों घटनाओं से जोड़कर चुरू के लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं मिली है आपको? देखिए काफी लोगों से हमारी बात हुई और चुरू के अंदर एक तरह से एक तो दहशत का माहौल है, उनको डर काफी है, काफी लोगों से बात की, उनको लगता है कि वो ये कह रहे हैं कि ये अमूमन यहाँ पर डर बना रहता, शाम को अपनी लड़कियों को घर से बाहर भेजने में कतराते हैं, इस तरह का डर है खासतौर पर जो गांव के इलाके, जो छोटे कस्बाई इलाके वहां पर है। लेकिन जो कृष्णा पूनिया ने मिसाल दी उसके बाद में लोगों का हौसला बढ़ा और लोगों को लगता है कि जो कृष्णा पूनिया ने किया वो तमाम महिलाओं को और खासतौर पर पुरुषों को
जो अच्छे जो रोकना चाहते हैं लेकिन रोक नहीं पाते लोगों को, इस तरह के मंचलों को, तो वो मिसाल है। और पुलिस भी कह रही है कि इससे पुलिस को भी एक तरह से मोटिवेशन संबल मिला है और ऐसे लोगों को रोकने में मदद मिलेगी। भवानी सिंह, शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। इधर खबर दिल्ली से है। दिल्ली के सागरपुर इलाके से एक्सीडेंट के दिल दहलाने वाली सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। घटना 1 जनवरी की शाम 3 बजे की है। सागरपुर इलाके में नसीरपुर के पास एक आर्टिगा ने एक वैगनार कार में इतनी जोर से टक्कर मारी कि वो पलट गई। दोनों गाड़ियों की टक्कर के बीच एक महिला फंस गई जो गंभीर रूप से घायल है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक आर्टिगा कार एक नाबालिग चला रहा था जिसने पहले महिला को टक्कर मारी और फिर वैगनार से टकरा गया। बहुत ही खौफनाक तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जो सागरपुर इलाके की है, जो ये बता रही है कि किस तरह से एक छोटी सी नासमझी लापरवाही किसी की जान पर भारी पड़ सकती है। हरियाणा के यमुनानगर से खबर है जहां पर यमुनानगर कोर्ट परिसर में गैंगवॉर में फायरिंग हुई है। बदमाशों ने एक पुलिस वाले समेत 2 लोगों को निशाना बनाने की कोशिश की है। गोली लगने से एक विचाराधीन कैदी और पुलिस वाला घायल हो गया है। हालांकि फायरिंग करके भाग रहे बदमाशों में से एक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है जबकि 3 भागने में सफल रहे। और इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। एक तरह न्यूज 18 इंडिया।